न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैजान अशरफ इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर में, और ग्वालपोखर का ये पांजीपाड़ा बाजार है, और पांजीपाड़ा बाजार का जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे कहते हैं, उस पर हम खड़े हैं। दरअसल आज खड़े होने की एक वजह यह है कि पिछले तकरीबन 2 माह कबल यानी 2 माह पहले हम लोगों ने इस नेशनल हाईवे पर एक खबर आप दर्शकों को दिखाई थी, जिसमें हम लोगों ने दिखाया था कि इस नेशनल हाईवे के बीचों बीच जो डिवाइडर है उसमें किस तरह से कचरा जमा हुआ है। वही कचरा आज 2 माह बाद भी यहाँ दिख रहा है। ना प्रशासन के कानों में कुछ आवाज़ें जाती है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों के कानों में कुछ आवाज़ जाती है, और लोग यहाँ पे मजबूर हैं इस कचरे के बीच में आवाजा करने को लेकर। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया के स्क्रीन पर, कि किस तरीके से पूरे डिवाइडर के में एक तरह से कचरा, अगर हम कहें गार्बेज स्टोरेज यहाँ बना के रखा गया है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक साइड का नज़ारा है। अगर हम आपको दूसरे साथ अगर बात करें हम दूसरे साइड की, तो उस दूसरे साइड में भी आपको नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो बीच पॉइंट है। जस्ट हमारे उस साइड में भी एकदम वही नज़ारा है। तकरीबन ये मार्केट की जितनी लंबाई है, तकरीबन 200 मीटर की लंबाई में ये मार्केट है, और उसमें कहीं ना कहीं पूरा कचरा का अंबार लगा हुआ है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो आप देख सकते हैं कि पूरा ये रोड और ये डिवाइडर, ये ऐसा लग नहीं रहा है कि आखिर क्या वजह है कि क्यों आखिर ये कचरा जमा है, इसके जिम्मेदार कौन है, ये सवाल लोगों तो पूछते हैं। लेकिन हम लोगों ने आज फिर एक बार आप तमाम दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है कि आप तमाम दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ के लोग इस कचरे के ढेर में मजबूर हैं रहने को, और यहाँ पे बिजनेसमैन दुकानदार अगर कहें, कई बार हम लोगों को मोबाइल फोन से हमारे ऑफिस में हमें ये जानकारी दी है कि आखिर ये कचरा कब तक साफ होगा, सर आप लोग भी कुछ मुद्दा उठाएं। हम यहाँ के कुछ लोकल लोगों से भी बात करेंगे। इस वक्त यहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं, हम सीधे तौर पर उनसे जानेंगे कि यहाँ पे एक नौजवान है। सर आपका नाम क्या है? शाहिद अंसारी। आप पांजीपाड़ा के रहने वाले हैं? सर ये कचरा कितने दिन से जमा हुआ है? सर इसका तो सर ये साल भर से ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से। साल भर से ज़्यादा हो गया? क्या अच्छा लगता है देखने में? नहीं अच्छा तो नहीं लगता। क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। साफ तो होना चाहिए। कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं साफ हो रहा है? सर क्या कहें? जिम्मेदार यहाँ के जो वार्ड मेंबर है उन्हें साफ करवाना चाहिए, फिलहाल तो उन्हें साफ करवाना चाहिए, और जो भी यहाँ के लोकल पब्लिक है उन्हें बोलना चाहिए, और उन्होंने सर बोला भी है, हमने भी खुद भी बोला है मेंबर साहब को, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। तो क्या लगता है इससे लोगों को तो काफ़ी नुकसान होती है? नुकसान तो है सर, जैसे भी कोई कचरा जला ही दिया उससे प्रदूषण हो रहा है, उससे सांस लेने में तकलीफ होगी, ऐसे तो कोरोना का मामला अभी चल रहा है। कहीं ना कहीं आज भी ये बाजार गंदा है, इतना बड़ा बाजार है जी। तो आप यहाँ के लोग प्रशासन से डिमांड यही है कि साफ हो जाए जल्द से जल्द, और इससे ज़्यादा क्या चाहेंगे। चलिए यहाँ के लोकल एक नौजवान थे जो सीधे तौर पर हम बात कर रहे थे हमारे साथ। इस वक्त एक हमें CPI के एक लीडर जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर हैं, हमसे यहाँ मुलाकात हुई है। सर हमें ये बताइए कि ये जो कचरा है सर, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? पहले तो हम कहेंगे जो ये जो कचरा है ये अगर हाईवे अथॉरिटी का साफ करने का बात है, तो हम लोग का जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन या BDO साहब नहीं होगा तो हम लोग SDO साहब का भी साहब को भी इस बारे में थोड़ा स्टेप लेना चाहिए। तो हम लोग एक्चुअल में जानकारी नहीं है, अगर हाईवे अथॉरिटी है तो हाईवे अथॉरिटी को हम लोग को एकदम पकड़ के माने जकड़ के था पकड़ना पड़ेगा। जो ये हो गया आपका ग्वालपुखुर, जैसे ग्वालपुखुर थाना का ब्लॉक का मेन जगह हो गया, टाउन हो गया पांजीपाड़ा। पांजीपाड़ा में अगर हाईवे लाखों आदमी जाता है आता है गाड़ी घोड़ा, और वहीं पर एक कचरा, कभी कचरे से आगुन जलता है कभी पानी गिरता है, इसलिए हम तो चाहेंगे जो जो स्थानीय जो लोकल हम लोग का प्रशासन है, खास करके पंचायत, उन लोग भी थोड़ा उद्योग ले। ये बहुत सारी स्कीम है या किसकी गफलती मानते हैं? नहीं ये हम एक्चुअल अगर हाईवे का है तो हाईवे अथॉरिटी का बात बोलेंगे, या पंचायत का है तो पंचायत का भी तो इस अंदाज में मेरा उतना जानकारी नहीं है, हम भी खबर लेंगे आज से। या अगर हाईवे अथॉरिटी का उसी को ये साफ करना चाहिए, या हाईवे अथॉरिटी पंचायत से भी अगर हेल्प चाहता है, हम ये आपस में उन लोग को बैठ के मिला लेना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, मगर हम लोग को साफ सुथरा रहना चाहिए। अब ये कौन करेगा, SDO साहब करेगा ना प्रधान करेगा ना BDO साहब करेगा, उन लोग का बात है जो प्रशासन है। हम लोग जो ज़्यादातर आदमी जो सच्चा आदमी है, हम लोग चाहते हैं जो सब साफ सुथरा रहे। बहुत स्कूल है,
छोटा छोटा इंग्लिश मीडियम स्कूल सब स्कूल सब भी खुल गया, बच्चा सब भी जाता है। इसके लिए आपका जो क्या बोला परिवेश दूषण এটাও কিন্তু মানে ভারী মাত্রা হচ্ছে। সেই জন্য আমি হচ্ছে আগামী দিনে অনুরোধ করব যেটা যতটা সহজ হলভাবে যত তাড়াতাড়ি হয় প্রধান সাহেব হোক বা তার যারা জিপি মেম্বার তাদের দায়িত্ব দিয়ে হোক বা বিডিও সাহেব প্রয়োজনে আমরা যদি চায় সাধারণভাবে যৌথভাবে হোক সব দল নির্বিশেষে সবাই মিলে যদি এসডিও সাহেবের কাছে যেত তাও যাওয়া উচিত, কারণ এটা আমাদের পাঞ্জিপাড়ার কাছে কিন্তু একটা জ্বলন্ত একটা সমস্যা এবং এটার জন্য খুব খারাপ লাগছে। যে কোনো সময় একটা যে কোনো একটা অঘটনও ঘটে যেতে পারে, আর বিশেষ করে কিছু ছোটোখাটো দোকানদার আছে যারা হাটবার দিন দোকান লাগায় তাদেরও কিছুটা গাফিলতি আছে। তারা কী করে যে সমস্ত সবজি টবজি নিয়ে আসছে তার ওই যেটা বলে আপনার সবজির চেয়ে চামড়া বা ওই যে ডাট কফি বেগুন এগুলো তারা পরে হচ্ছে ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিছু লোকাল দোকানদারও আছে, তাহলে এটাও আমাদের দেখতে হবে। আমরা যারা স্থানীয় যারা দোকানদার আছে তারাও যদি এই ব্যাপারটা একটু লক্ষ্য রাখে যে কেন তারা এখানে ফেলবে, তাদের একটা মানে পরিষ্কার একটা জায়গা, হ্যাঁ একটা যদি জায়গা ওদের রেডি করে দেওয়া হয় পরিষ্কার রাখা হয় যে না ওই জায়গাটা গিয়ে এই কাঁচরাগুলো ফেলবে, বা দু তিনটা গাড়ি থাকলো ভ্যান থাকলো তারা এই মালগুলো প্রতিদিন সকালবেলা এসে নিয়ে বলবো না। যেহেতু পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, পাঞ্জিপাড়ার বর্তমান যা পরিস্থিতি আছে সেটা কিন্তু একটা মিউনিসিপ্যালিটি হওয়ার যোগ্যতা আছে পাঞ্জিপাড়ার, সেই হিসাবে এটা লোকাল প্রশাসন যদি চায় এটা করতে পারে। এটা এখন অনেক ইয়ে আছে, 100 দিনের কাজটা ইত্যাদি ইত্যাদির মাধ্যমে, সেজন্য এই মুহূর্তে কারো উপরে দোষারোপ করতে পারবো না যেহেতু ব্যাপারটা সত্যি আমার জানা নেই, কিন্তু আমি এইটুকু আশা রাখবো। হামলোগোকে ইস রোড সে যা করতে দেখলে মে বড়া অজীব আর খারাপ মহসুস হতা হয় স্যার, তো হামলোগোনে কহিন না কহি সমঝা কে ইহা আপলোগ রহতে হ্যায় ইহা কে প্রশাসন ক্যা ধ্যান নেই দেতি হ্যায় ইয়া ফির আপলোগ আপনে সমাজ মে রহতে হ্যায় নেই, হামলোগ ভি দেখতে হ্যায় তো আপ ক্যা বোলেগে। এক তো জি হামলোগ ভি বহুত বার বোলে, ইয়ে বাত নেই হ্যায় জিপি মেম্বার তক সে গেলে বহুত বার বোলে হ্যায়, তো কুছ নেই হতা। এসে হামলোগ কা বিডিও সাহেব ভি আচ্ছা হ্যায়, হামলোগ হাম ভি আজকে বাদ সে তো হামলোগ ভি কোশিশ করেঙ্গে, বিডিও সাহেব কো ভি বোলেঙ্গে, প্রধান সাহেব সে ভি রিকোয়েস্ট করেঙ্গে যে ইয়ে জল্দ সে জল্দ সাফ হো যায়। ইয়ে অ্যাকচুয়াল পাঞ্জিপাড়া কালি বহুত খারাপ হয়, পাঞ্জিপাড়া কালি নেই টোটাল এলাকা কে লিয়ে, আর ইয়ে জায়গা জায়গা আদমি ভি হামলোগ কা ই করতা যে কোন সা গন্দা জায়গা মে হামলোগ রহতে হ্যায়, তো এই বলনা চাহতে হাম আশা করতে হ্যায় হামারে প্রধান সাহেব বিডিও সাহেব ইয়া এসডিও সাহেব জিনকা ভি ইয়ে মতলব ইসমে আয়ে দেখকে মিলকে এই লোক এক এক মানে সিঁড়ি মে হ্যায় যেতে পারলে আগার প্রধান উসকে বাদ বিডিও উসকে বাদ এসডিও জেসে ভি হোক কোই ভি স্কিম মে ইয়ে পুরা সাফ হোনা চাহিয়ে, সিফ একবার সাফ নেই হর হপ্তা হপ্তা ইয়া মায়না মে দু চার বার সাফ হোক ফুল রাস্তা একদম হাইওয়ে কিসকা ইসকা গুরুত্ব আলাগ হ্যায় হোনা চাহিয়ে, এই বলকে মে আপনা বাত চলিয়ে। তো ইয়ে হমারে সাথ থে, হাম আপকো বতা দে দর্শক সিধে তোর পর হামসে বাত কর রহে থে ইহাঁ কে সিপিএম কে লিডার হ্যায় ও হমারে সাথ সাফ তৌর পর কে থে কি সাফ হোনা চাহিয়ে চাহে গফরিতি কিসি কি ভি হো। জো দর্শক ইস ওয়াক্ত হমারে সাথ জুড়ে হাম আপকো বতা দে জিস জগহ পে হাম খড়ে হ্যায় ইয়ে বিলকুল ন্যাশনাল হাইওয়ে 31 হ্যায় অর 31 মে জো পাঞ্জিপাড়া বাজার হ্যায় আগর হাম কহে গোয়ালপোখর বিধানসভা ক্ষেত্র কা ইয়ে আহম মার্কেট হ্যায় জহাঁ আগর হাম বাত করেন কে ইয়ে এক স্যার ন্যাশনাল হোনে কে সাথ সাথ ইন্টারন্যাশনাল আগর বাজার কহে তো কম নেই হোগা, ক্যুঁকি হমারে দায়ে তরফ এক সড়ক গই হ্যায় জো সিধে বিহার অর নেপাল কো জাতি হ্যায়, তো হমারে পুরা পূরব সাইড আগর হাম ইস জগহ কি বাত করেন তো ইহাঁ সে বাংলাদেশ বর্ডার বিলকুল করিব হ্যায় অর সিধে তৌর পর ইহাঁ পে আগর হাম বাত করেন দক্ষিণ ভারত কি আসাম হওয়া ইহি রাস্তা হ্যায় আসাম অর গুয়াহাটি জানে কা সিকিম জানে কা, তো কহিন না কহিন ইসকি জো কানেক্টিভিটি অর ইস মার্কেট কি জো অহমিয়ত হ্যায় ও আপনে আপ মে কাফি মহত্বপূর্ণ হ্যায়, লেকিন উস মার্কেট মে ইস তরহ কা কচরা জমা রহনা আপনে আপ মে শর্মনাক হ্যায়, লেকিন হমারি ভি কোশিশ হ্যায় কি কচরা জল্দ সে জল্দ সাফ হো, ইহাঁ কে আম লোগোঁ কি ক্যা সোচ হ্যায় সিধে তৌর পর হাম জাননে কি কোশিশ করেঙ্গে। আপকা ক্যা নাম হুয়া স্যার? আব্দুল করিম। কহাঁ কে রহনে ওয়ালে হ্যায়? পাঞ্জিপাড়া কে। স্যার ইয়ে কচরা কিতনে দিন সে জমা হ্যায় স্যার? কচরা ইহাঁ কম সে কম 6 সাল সে 6 মহিনা সে জমা হ্যায়। জমা হ্যায় জি। তো ইয়ে জো জমা হ্যায় ইসকা সফাই নেই হো রাহা হ্যায় তো ইসকো কিসকে জিম্মেদার মানতে হ্যায় স্যার? ইসকো নেতা কা জিম্মেদার মানতে হ্যায়। সাফ হোনা চাহিয়ে? জি সাফ হোনা চাহিয়ে। क्यों नहीं हुआ आखिर, क्या आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग यहाँ लोकल में रहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं साफ होने से अच्छा हो, अच्छा लेकिन यहाँ का नेता ध्यान नहीं दे रहे इसमें। आपका क्या नाम है सर? जमील राहिर। कहाँ? पाजीपाड़ा के रहने वाले हैं। यहाँ के रहने वाले क्या करते हैं सर? हम दुकान करते हैं, किराना किराना दुकान। सर ये कचरा आप देख लो, आप जब मार्केट में दुकान लगा, यहाँ का सरकार जो है काम नहीं करते हैं, यहाँ का सरकार जो राबर है काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। देखिए कचरा देखिए। तो आप लोगों ने कभी इसके लिए आंदोलन छेड़ा, कभी कम्प्लेन किया? नहीं, हमने कम्प्लेन किया, कई बार किया फाड़ी में। अच्छा, ये आप जो है में करने से कुछ नहीं होगा ना सर, ये तो प्रशासन का मामला है ना, हम लोग इतना पढ़े लिखे आदमी नहीं, जानते नहीं इतना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस वक्त हमारे साथ फॉरवर्ड ब्लॉक के अंचल प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर कहीं ना कहीं आप भी समाज में रहते हैं सर, आप लोग भी जिम्मेदारी होती है विपक्ष के नाते,
तो आप लोगों ने इस मामले को लेकर कभी कुछ मामला एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुँचाया कि नहीं सर? सबसे पहले तो मैं आपका उस मुद्दा को उठाने का शुक्रिया अदा करूँगा आपके चैनल का, और आज सवाल इस कचरे का, कचरे का लेके देखिए, इसका जो जिम्मेदार है यहाँ का रहवर है, पंचायत के प्रधान है, वार्ड का मेंबर है, उनको इसका ही करना चाहिए। और नहीं देते हैं ध्यान, अगर इनका अगर PW का है काम तो PW को बोलना चाहिए उन लोग को कि इसको जल्द से जल्द ये जो कचरा करके रखे हैं तो कहीं अगर अपना घर को भी इस तरीके से रखे तो क्या अच्छा लगेंगे उनको? ये तो इसके लिए किसका जिम्मेदार मान बाजार, हम तो सबको जिम्मेदार ठहराएंगे। PW का अगर है तो PW को जिम्मेदार कहेंगे, अगर हम लोग का पंचायत का अगर रहवर को है तो पंचायत के रहवर को हम बोलेंगे कि जिम्मेदार वो है। अच्छा ऐसा, तो आपका प्रशासन से कुछ डिमांड ऐसा? प्रशासन से और पंचायत से PW का जिसका भी है उनसे यही डिमांड है कि जल्द से जल्द पांजीपाड़ा को सफाई करे, साफ सुथरा रखे, ताकि इससे किसी को ये ना पहुंचे, बीमारी ना हो, बीमारी ना फैले। अभी तो देख रहे तरह तरह का बीमारी फैले हुए हैं, इस तरीके से कोई और ना आए यही बोल। चलिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे यहाँ अपोजिशन के एक तरह से लीडर थे, जो साफ तौर पर कह रहे थे कहीं ना कहीं हम भी इस समाज में रहते हैं और गंदगी हमारे लिए भी ये बहुत हानिकारक है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस बात का साफ तौर पर संदेश जाता है कि कचरे का जो अंबार लगा हुआ है इसके लिए सबों को नुकसान होता है। हम आप दर्शकों को एक बार बता दें, ये वही कचरा है, वही कचरे का अंबार है जहां आज तकरीबन लगभग 2 से 3 माह पहले हम लोगों ने यहां के जो जनप्रतिनिधि थे उनसे बात की थी। उन्होंने हमें लोगों हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया के टीम को आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द इसकी सफाई हो जाएगी, लेकिन आज तक इसकी सफाई नहीं हो पाई है। लेकिन इस मामले को लेकर हम लोगों ने इस्लामपुर सब डिवीजन या इस्लामपुर महकमा के जो SD हैं उनसे भी बात की। उन्होंने साफ तौर पर हमें ये जानकारी दी है कि हम भी कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द इस कचरे की सफाई हो जाएगी, ताकि यहाँ के लोग एक साफ सुथरा वातावरण में अपना कारोबार कर सकें, जी सकें। इसी तरह की तमाम तरह की न्यूज़ों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से तुषार विश्वास के साथ मैं फैजान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।